कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया। आदेश के मुताबिक 4 मई से 14 जून तक होने वाली 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। 1 जून को एक और बैठक होगी, जिसमें तब के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अगर परीक्षाएं होंगी तो 15 दिन पहले ही छात्रों को सूचित भी किया जाएगा। सीबीएसई 10वीं के पेपर्स, जो कि 4 मई से 14 जून तक होने थे, उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से छात्रों के परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर्स दे दिए जाएंगे। अगर कोई छात्र या छात्रा अपने नंबर से खुश नहीं होगा तो उसे बाद में एग्जाम भी देने का मौका मिलेगा। भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई जा रही है। पटना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें शत शत नमन किया और कहा है कि हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि उनके आदर्शों पर चलकर बेहतर समाज का निर्माण करें और विकसित बिहार के सपने को साकार करें। इधर जेडीयू कार्यालय में भी आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जहां पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक महेश्वर हजारी और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के प्रयासों से ही आज आरक्षण मिल रहा है और जो लोग अब तक वंचित हैं उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए। करने का काम किया, आज संविधान का ही दिन है, आज हम लोग जनता के नेता बन रहे हैं। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था वो शत प्रतिशत अभी तक सच्चाई बात है कि जमीनी स्तर पर नहीं हुई है। मैं और हम लोग सबको चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर जो हम लोगों के समाज के लोग हैं, जिसको संविधान में अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को सतह तक